नमस्कार दोस्तों, यह है मेरा 2 साल पुराना बार्बाडोस वैरायटी का चेरी प्लांट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय इस पर ढेर सारी खट्टी मीठी और लाल लाल चेरीज आई हुई हैं, जो भी इसे देखता ही रह जाता है। इस चेरी प्लांट को मैंने इस 12 इंच के गमले में 100% ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ है। चेरी फ्रूट न केवल बहुत टेस्टी होता है, बल्कि ढेर सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भी लोडेड होता है। पर क्या आप इसे अपने घर पर भी उगा सकते हैं, वो भी गमले में? जी हाँ, बिल्कुल उगा सकते हैं, और इस पर डेफिनेटली फ्रूट्स भी आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेश चेरी के बीजों से और ग्राफ्टेड पौधे से दोनों तरीकों से गमले में चेरी प्लांट उगाने का सबसे आसान तरीका। कैसे इस प्लांट की केयर की जाती है, इसे किस तरह की मिट्टी और खाद की जरूरत होती है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे 2 साल के स्टेप बाय स्टेप अपडेट के साथ। दोस्तों, गमले में चेरी का प्लांट उगाना बहुत आसान है, और अगर आप भी इस तरह का चेरी प्लांट अपनी छत या बालकनी में उगाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। वैसे तो चेरी की कमर्शियल फार्मिंग ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती है, लेकिन चेरी की कई वैरायटीज ऐसी हैं, जैसे कि ये बार्बाडोस चेरी वैरायटी, जिन्हें आप पूरे भारत में कहीं भी आसानी से उगा सकते हैं, चाहे आपके यहाँ गर्मी ज्यादा भी क्यों न पड़ती हो। चेरी प्लांट उगाने के 2 तरीके होते हैं, इसे बीज से भी उगाया जाता है और ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से तैयार पौधे से भी। तो सबसे पहले मैं आपको बीज से उगाने वाले तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए होगी इस तरह की ब्लड रेड कलर वाली फ्रेश चेरीज। चेरी पूरी तरह से पकी हुई होना चाहिए। अब हम इन चेरीज के बीज निकाल लेते हैं। अब यदि इन सीड्स को सीधे मिट्टी में डाल दिया जाए तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि सीड्स असल में इस हार्ड शेल के अंदर हैं। अब हमें इसके अंदर से सीड्स निकालना है। शेल को हम हथौड़ी या ऐसी ही किसी ऑब्जेक्ट से धीरे से ठोककर केयरफुली क्रैक करेंगे। ध्यान रहे कि ज्यादा तेजी से नहीं मारना है, वरना अंदर का सीड डैमेज हो जाएगा और जर्मिनेट नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी और आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। मैंने हार्ड शेल के अंदर के बीजों को निकाल लिया है। अब इन बीजों को 1 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए, इससे जर्मिनेशन स्पीड तेज हो जाएगी। अब हम इन्हें सीडलिंग मिक्स में लगाएंगे। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट मिलाकर सीडलिंग मिक्स को मैंने इस छोटे कंटेनर में भर लिया है। अब इसमें 1/2 इंच गहराई पर सीड्स लगा दीजिए। चौदह दिनों बाद बीज जर्मिनेट होने लगे हैं। जब इनमें 4-5 पत्तियां आ जाएंगी तो मैं इन्हें फाइनल कंटेनर में शिफ्ट कर लूंगा। अब इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सके। दोस्तों, बीज से चेरी प्लांट उगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन सीड ग्रोन प्लांट को फल देने लायक मैच्योर होने में 4-5 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। पर ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए चेरी के पौधे उसी साल या अगले साल से ही फ्रूटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें फल देने वाले मैच्योर ट्री से ही तैयार किया जाता है। चेरी का ये ग्राफ्टेड प्लांट मैंने एक लोकल नर्सरी से 150 रुपए में खरीदा है। ये बार्बाडोस वैरायटी का चेरी प्लांट है। ये ट्रॉपिकल वैरायटी के पौधे गमले में और गर्म जगहों पर भी बहुत आसानी से उग जाते हैं। ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाले चेरी प्लांट आजकल बहुत कॉमन हैं और आपके सिटी की किसी भी बड़ी नर्सरी में ये आसानी से मिल जाएंगे। चेरी के प्लांट्स amazon.com पर भी अवेलेबल हैं। अब मैं इस ग्राफ्टेड पौधे को इस 10 इंच के गमले में ट्रांसफर कर दूंगा। इसे शुरुआत में बड़े गमले में नहीं लगाना है, क्योंकि चेरी प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद होता है, जिससे इसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। इसमें कुछ ड्रेनेज होल्स भी हैं। पानी का अच्छा ड्रेनेज चेरी प्लांट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसके रूट बॉल में ज्यादा नमी होने के कारण पौधे में रूट रॉट हो सकता है। गमले को ऐसी जगह रखना है जहां इसे कम से कम 6-8 घंटे की धूप मिल सके।
चेरी प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन रिच और वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल की जरूरत होती है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 30%, रेत 20% और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर जो कि ऑर्गेनिक फंगीसाइड का काम करता है। 8 महीने बाद चेरी प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है। फिलहाल अप्रैल का महीना चल रहा है और हमारा चेरी प्लांट 9 महीने का हो चुका है। इस पर ये पहला फ्लावर खिला है। कुछ दिनों पहले इस पर 4-5 कलियां और भी आई थी पर वो गिर गई थी। इसका फूल गजब का खूबसूरत और जबरदस्त खुशबूदार भी होता है। अभी जून का महीना चल रहा है और 11 महीने बाद हमारा पहला चेरी फ्रूट पक चुका है। अब मैं इस प्लांट को निकालकर 12 इंच के गमले में ट्रांसफर कर दूंगा। नई मिट्टी और नई खाद मिलने से इसकी ग्रोथ और भी तेजी से बूस्ट हो जाएगी। दोस्तों चेरी का हमारा पौधा 22 महीने का हो गया है और इस पर ढेर सारे फ्लावर्स भी अब आ चुके हैं। 2 साल पहले मैंने चेरी के इस ग्राफ्टेड प्लांट को उगाना शुरू किया था। फिलहाल जून का महीना चल रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा चेरी प्लांट ढेर सारे पके हुए ब्लड रेड कलर के फलों से भर गया है। हमारी चेरीज अब पूरी तरह से पक चुकी हैं और अब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, तो चलिए इन्हें हार्वेस्ट करते हैं। चेरी को तभी हार्वेस्ट करना चाहिए जब ये इस तरह के डार्क कलर की हो जाए, क्योंकि इस स्टेज में ये सबसे ज्यादा मीठी और रसीली होती है। मार्केट में जो चेरीज आपको मिलती है उन्हें ऑरेंज कलर का होते ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जिससे उन्हें कई दिनों तक स्टोर करके रखा जा सके। लेकिन ये हमारा होम ग्रोन फ्रूट है, इसलिए इसे पूरी पकने पर ही हार्वेस्ट करें। दोस्तों मैंने सभी चेरीज को हार्वेस्ट कर लिया है। अब जरा इसे चेक कर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। अमेजिंग टेस्ट। यकीन मानिए दोस्तों, इसका टेस्ट बाजार वाली चेरीज से कई गुना ज्यादा मीठा है और ये इतनी जूसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप इन्हें 100% ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं तो चेरी का टेस्ट और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो चेरी का पौधा उगाना आसान है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आप छोटे पौधे से भी अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग हमेशा बरसात के मौसम में करना चाहिए और अच्छी और घनी ग्रोथ के लिए इसकी लंबी ब्रांचेस को बरसात के मौसम में कटिंग कर देना चाहिए। ये सन लविंग प्लांट है और अच्छी फ्रूटिंग के लिए इसे ढेर सारी धूप की जरूरत होती है, तो इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां इस पर दिन भर धूप आती हो। तेज गर्मियों के मौसम में पत्तियों को झुलसने से बचाने के लिए इसे ग्रीन शेड के नीचे रखना चाहिए। चेरी प्लांट को कम पानी की जरूरत होती है। ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ों में रूट रॉट हो सकता है और पौधा मर भी सकता है, इसलिए इसमें पानी तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे। चेरी की सबसे अच्छी ग्रोथ ऐसी मिट्टी में होती है जिसमें पानी ज्यादा देर रुके नहीं और तुरंत नीचे के छेदों से ड्रेन हो जाए। महीने में एक बार इस तरह के 12 इंच वाले मीडियम साइज के गमले में 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और हल्की गुड़ाई कर दें। आप चाहें तो इसमें किचन वेस्ट से बनी हुई होममेड कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। किचन वेस्ट से कंपोस्ट किस तरह से बनाई जाती है, इस वीडियो को डिटेल में देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूं। साथ ही साथ महीने में एक बार 1 चम्मच बायोजाइम ग्रेन्यूल्स या सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स भी डालिए। इससे पौधे को सभी जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। बायोजाइम या सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स आपके आसपास की किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। ये amazon.com पर भी अवेलेबल होते हैं। खास तौर पर फ्लावरिंग शुरू होते ही इसको फर्टिलाइज जरूर करें और पानी कम दें, क्योंकि ज्यादा पानी देने से फूल झड़ जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो से मैंने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया है।
हर हफ्ते वीडियो के एंड में मैं किसी एक व्यूअर का बेस्ट कमेंट चूज करके कमेंट ऑफ द वीक की तरह हाईलाइट करूंगा। तो ये है इस हफ्ते का कमेंट ऑफ द वीक। गार्डनिंग से जुड़े आपके कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपने इश्यूज पर मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।